नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज तोमर। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है और हमारा प्यारा भारत भी इससे छूटा नहीं रहा है। दोस्तों, भारत की एक संस्कृति रही है कि जब जब भी कोई विपदा हमारे देश पर आई या कोई महामारी ने हमारे देश में पैर रखा तो हमने एकता का परिचय दिया। जाति धर्म सब चीज़ों से ऊपर उठकर हम केवल भारतवासी बने। चाहे आप असहयोग आंदोलन की बात ले लीजिए, जब गांधी जी ने आह्वान किया कि हम स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो गांधी जी के एक आह्वान पर भारत की सभी महिलाएं उनके साथ जुड़ गई और चरखा लेकर घर में सूत कातने लगी, जिससे कि हमारे स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण हो सके। चाहे बात 1962 चीन के साथ युद्ध की हो, जब हमारे सैनिकों को उस समय वस्त्र गर्म नहीं थे, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो हमारी बहनें घरों में बैठकर रात को ऊनी जुराबे बुनती थी। लुधियाने में जितने भी रेडीमेड वस्त्र की फैक्ट्रियाँ थी, वो सैनिकों के लिए गर्म कपड़े बनाने लगी। इसी तरह चाहे 1965 1972 पाकिस्तान के साथ युद्ध हो या अन्य कोई भी बात आई हो, देश ने एकजुटता का परिचय दिया। दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि ये महामारी जाति और धर्म देखकर नहीं आती, वार नहीं करेगी, ना ये ग्रीन जोन, रेड जोन और येलो जोन देखेगी। तो इस समय हम सब लोग एकता का परिचय दें और हमारे जो कोरोना योद्धा है उनका सम्मान करें। उनके लिए हम जो भी कर सकते हैं वो अपने स्तर से करें। मैंने भी प्रयास किया है कि मेरे जो सफाई सैनिक हैं उनके लिए मैं मास्क बना रही हूँ। ये मैं प्रशासन को भी पहले दिए हैं, अब की बार मैं अपने सफाई कर्मचारियों के लिए या अन्य जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए बना रही हूँ। और मैंने ये 3 रंग में बनाए हैं। मैंने इसमें हरा रंग, सफ़ेद रंग और ऑरेंज अपना केसरिया रंग भी लिया है और इनके मैंने ऐसे 3-3 के पैकिंग में कर रही हूँ। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि कोई रंग महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण रंग हमारे तिरंगे का रंग है। तो हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारा तिरंगा बदरंग हो जाए। घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार दोस्तों।